फसलों में हम कई तरह के रसायनों का छिड़काव करते हैं, फंजीसाइड हैं या हम किसी पोषक तत्व का, जिंक सल्फेट का, फेरस सल्फेट का, कार्बन डाइजिम का या दूसरी किसी दवा का जब हम छिड़काव करते हैं तो हमें उसका पानी में जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो प्रतिशत में बनाते हैं। ये 0.2% भी हो सकता है, 0.5, 1%, 2%। तो इसको हम 10 लीटर या 100 लीटर पानी में इसको कैसे बनाएंगे, क्या इसकी डोज होगी, क्या इसका तरीका होगा, आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा। मान लेते हैं कि हमें किसी फंजीसाइड का स्प्रे करना है अपनी फसल पे 0.2%। सामान्यतः जो इस तरह की रिकमेंडेशन संस्तुति की जाती हैं प्रतिशत में की जाती हैं और वो प्रतिशत फिर हमें समझ में नहीं आता है। मान लेते हैं कि हमें किसी फंजीसाइड का 0.2% घोल का स्प्रे करना है फसल के ऊपर। तो देखिए 0.2% को समझिए, पहले प्रतिशत को समझिए। प्रतिशत क्या होता है? 100। तो इसका मतलब ये 0.2 कोई चीज 100 के अंदर है। इसका मतलब हम कोई 100 इकाई चीज लेंगे तो उसके अंदर 0.2 इकाई वो चीज होगी। मतलब 100 ग्राम ये लेंगे तो 0.2 ग्राम ये होगा। मैं मान लेता हूं कि अगर 100 ग्राम हम पानी लेंगे तो हमें 0.2 ग्राम वो केमिकल मिलाना पड़ेगा। तो 0.2% का मतलब ये हुआ, सीधी सा गणित है। अब हमारा जो 1 लीटर पानी में हम बनाना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर। इसका मतलब कि 1000 ग्राम हम लेंगे तो इसका मतलब हमें 10 से इधर गुणा करनी पड़ेगी, तो इधर भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 0.2 × 10 मतलब कि 2 ग्राम। तो ये हमारा जो बना ये 1 लीटर पानी बना। तो 1 लीटर पानी में हमें जो घोलना पड़ेगा वो केमिकल, जो भी केमिकल ले रहे हैं या न्यूट्रेंट ले रहे हैं, वो 2 ग्राम घोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.2% का मतलब क्या हुआ? 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, ये इसका अर्थ हुआ। तो ये हमने देखा कि जब हम प्रतिशत को 10 से गुणा कर देते हैं, ये 0.2 × 10 हुआ, तो इसका मतलब वो ग्राम प्रति लीटर में बन जाता है। इसी प्रकार से अगर मुझे 0.5% का घोल बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो 0.5 × 10 मतलब 5। तो इसका मतलब मुझे वो केमिकल या फर्टिलाइजर 5 ग्राम लेना पड़ेगा और 1 लीटर प्रति लीटर पानी में घोलना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मैं 1% का घोल बनाता हूँ तो 1 × 10 मतलब 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलना चाहिए, तब वो 1% का घोल बनेगा। तो इसका मतलब प्रतिशत वाला जो घोल होता है उसको हम 10 से गुणा कर दें तो उतने ग्राम प्रति लीटर आता है। मान लीजिए कि आपको एक फंजीसाइड है, कवकनाशी है, आपको अपनी फसल में रोग को रोकने के लिए उसका स्प्रे करना है, तो हमें 100 लीटर में कितना बनाना पड़ेगा? तो अभी हमने जैसे देखा कि 0.2% का मतलब हुआ 2 ग्राम प्रति लीटर। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें फसल में कितना पानी लग रहा है। मान लीजिए हमारी फसल में 1000 लीटर पानी लगेगा तो कैसे निकालेंगे इसको हम? देखिए 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी के लिए कितना चाहिए हमें? ये केमिकल चाहिए 2 ग्राम। तो 1000 लीटर पानी के लिए सीधी सी गणित है, इसमें चाहिए 2 × 1000 ग्राम मतलब कि 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का क्या मतलब हुआ? कितने किलोग्राम हुआ? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो मतलब ये हुआ 2 किलोग्राम। तो इसका मतलब कि अगर हमें अपनी फसल में 1000 लीटर पानी में किसी केमिकल का स्प्रे करना है और 0.2% की दर से, तो हमें उस केमिकल की 2 किलोग्राम की जरूरत पड़ेगी। सामान्यतः जो फंजीसाइड स्प्रे किए जाते हैं 0.25% पे किए जाते हैं। अगर 0.25% का हम स्प्रे कर रहे हैं 1000 लीटर पानी में, तो ये इस गुणा से हो जाएगा 2.5 किलोग्राम। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमें जिंक सल्फेट का स्प्रे करना है अपनी फसल में, और जो जिंक सल्फेट का जो स्प्रे किया जाता है वो उसकी जो संस्तुति है 0.5% की है। मतलब कि हमें ये 5 ग्राम जिंक सल्फेट लेना पड़ेगा और इसको हमें 1 लीटर जब पानी में घोलेंगे तो ये बनेगा 0.5% का। अब हमारी जो मान लीजिए मक्का की फसल है या धान की फसल है या कोई सी भी फसल है और उसमें पानी मान लीजिए हमको 600 लीटर लग रहा है। मान लीजिए फसल बहुत बड़ी नहीं है तो 600 लीटर पानी है हमारे पास,
हमें जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए फसल के हिसाब से 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, फसल ज़्यादा बड़ी होगी तो 1000 लीटर भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हमें 600 लीटर पानी डालना है, तो 1 लीटर पानी में कितना जा रहा है, 5 ग्राम, तो 600 लीटर पानी में जाएगा इतने ग्राम। आप इसको किलोग्राम में बदलना है तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5×6=30, 3000 ग्राम, मतलब कि 3 किलोग्राम। तो इसका मतलब आपको 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट की जरूरत पड़ेगी, और 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट को आपको टोटल 600 लीटर पानी में घोल के फसल पे स्प्रे करेंगे तो वो 0.5% का स्प्रे होगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, चाहे फेरस सल्फेट है, बैंगनी सल्फेट है, वो प्रतिशत में उनका स्प्रे किया जाता है 0.5% तक। अगर हम ज़्यादा हम इसका स्प्रे कर देंगे तो वो फसल की पत्तियाँ जल जाती हैं। तो ये खास तौर से जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करते समय हमें उनका प्रतिशत घोल बहुत ध्यान से रखना चाहिए। इसी तरह से कोई फंजीसाइड हम स्प्रे कर रहे हैं किसी रोग को रोकने के लिए और उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो उसके रेजिड्यूज जो हैं, जो फंजीसाइड हो, फसल के अंदर आ जाएगा, दानों में आ जाएगा और वो फूड चेन के होते हुए हमारे शरीर तक पहुँचेगा और पूरे वातावरण को प्रभावित करेगा, तो ज़्यादा मात्रा खतरनाक हो जाएगी। और मान लीजिए कम मात्रा आप डालते हैं तो वो रोग रुकेगा नहीं, तो ये समस्याएँ आती हैं। इसलिए हमको सही गणना पता होनी चाहिए कि प्रतिशत घोल की गणना हम कैसे करेंगे। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया 0.2% का, 0.25% का, 0.5% का। इसी तरह से यूरिया का 2% का घोल हम बना सकते हैं। यूरिया का 2% घोल का मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम यूरिया को आपको 1 लीटर पानी में घोलना है, तो 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 20 ग्राम यूरिया घोल देंगे तो 2% का बन जाएगा। इसी तरह से पानी की मात्रा के अनुसार आप यूरिया घोलते जाइए, वो 2% के घोल बनेगा। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम गणना करते हैं, ताकि हमारे जो रसायन हम दे रहे हैं या जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं या यूरिया दे रहे हैं सही मात्रा में जाए। ज़्यादा मात्रा में फसल को और वातावरण को नुकसान होता है, और कम मात्रा में अगर देते हैं तो उसका प्रभाव नहीं हो पाता है। तो इन कैलकुलेशंस को ध्यान में रखें, इसको नोट कर लें, ताकि जब आप अपने फसल में इनका छिड़काव करें तो आप इसको सही मात्रा में छिड़काव करें। इस तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।